उधर यूक्रेन वॉर के बीच रूस ने अपना फोकस डोनबास रीजन पर शिफ्ट कर दिया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा है कि प्रेसिडेंट पुतिन दूसरे विश्व युद्ध की तरह लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने लंबी लड़ाई के लिए न सिर्फ हथियार बल्कि सेना को भी तैयार कर लिया है, जिसका नतीजा तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। क्या यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में विश्व युद्ध जैसा भयावह दृश्य दिखने वाला है? क्या डोनबास में सदी की सबसे बड़ी तबाही आने वाली है? क्या पुतिन ने यूक्रेन के लिए लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर लिया है? क्या तीसरी वर्ल्ड वॉर का सेंटर डोनबास बनने जा रहा है? Donbas will remind you of the Second World War, with large operations, maneuvers, involvement of thousands of tanks, armored vehicles, planes, artillery. बेहिसाब खौफ है, घनघोर आशंका है, डरावनी भविष्यवाणी की जा रही। डोनबास की तबाही को लेकर यूक्रेन में ऐसा डर तब आकार ले रहा है जबकि रूस की आर्मी कीव, खारकीव से लेकर बुचा तक पीछे हट चुकी है। जिद्दी पुतिन ने अपना पूरा फोकस डोनबास पर कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन के रक्षा मंत्री को दूसरे विश्व युद्ध जैसी लंबी लड़ाई का डर सता रहा है। Local operation based on what we see in Russia's preparations to it. सिर्फ यूक्रेन के रक्षा मंत्री को ही ये विध्वंसक डर नहीं है। यूक्रेन में समाजशास्त्र के जाने माने प्रोफेसर ने भी डोनबास में जबरदस्त खून खराबे का दावा किया है। यूक्रेन के डोनबास में बहुत जल्द शुरू होगी सबसे बड़ी जंग, ये कहना है उनका। रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक इस जंग का हिस्सा बनेंगे, वो इसमें हिस्सा लेंगे। मुमकिन है कि अगले ही हफ्ते शुरू हो जाए सदी की सबसे बड़ी जंग जो होने जा रहा है। वैसा शायद इस युद्ध में अब तक नहीं किसी ने देखा नहीं सोचा। रूस के सैनिकों को मोराल उतना हाई नहीं जितना यूक्रेनियंस का मोराल हाई है। उनका उनकी मानसिक शक्ति जितनी मजबूत है। यूक्रेन समझ चुका है कि यह जंग अब यूक्रेन के लोगों को खुद लड़नी है। नेटो आगे भी सीधे सीधे जंग का हिस्सा नहीं बनने जा रहा, लेकिन यूक्रेन के लोग इस युद्ध को जारी रखेंगे। यानी वो होने वाला है जो अब तक 44 दिनों के रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं हुआ। इतनी तबाही आने वाली है जिसकी आहट डरा रही है। रूस और यूक्रेन के हजारों सैनिक आमने सामने होंगे और ये विनाशक युद्ध बहुत जल्द शुरू हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं, ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? यूक्रेन के मिनिस्टर से लेकर प्रोफेसर तक हर कोई क्यों डोनबास में महातबाही की आशंका जता रहा है? तो सुनिए। कीव फतेह में नाकाम पुतिन और उनके कमांडर्स पर भारी दबाव है, इसी वजह से रूस अब पूरी तरह डोनबास पर फोकस करेगा। डोनबास की चुनौती को भांप कर रूस अब बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन में विध्वंसक जंग और तबाही से बुनियाद रखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन अपने नए लड़ाकों को डोनबास में उतार सकते हैं। युद्ध में बैकफुट पर आए पुतिन डोनबास में ऑपरेशन एक्स की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कीव, खारकीव और ओडेसा में रूस को पीछे धकेलकर यूक्रेनियन आर्मी के हौसले बुलंद है, लिहाजा डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का अंदेशा है।
डोनबास में अगर रूस ने पहले से ज्यादा हमले तेज किए या फिर विश्व युद्ध की तरह लंबी लड़ाई शुरू की तो फिर इसके तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका समेत तमाम नेटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। आगे और भी हथियारों का जखीरा देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में आशंका जबरदस्त टकराव की है। अगर विश्व युद्ध जैसे हालात बने तो यकीन मानिए दूसरे विश्व युद्ध से बड़ी तबाही आएगी, ज्यादा विध्वंस होगा, क्योंकि 77 वर्षों में हालात बदल चुके हैं, हथियार बदल चुके हैं, हथियारों की मारक क्षमता बदल चुकी है, परमाणु हमले का अंदाज बदल चुका है, हाइड्रोजन बम की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में अगर विश्व युद्ध की स्थिति बनती है तो यकीनन डोनबास में महाविनाश कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।